मेरी लाइफ मेरे स्टूडेंट के लिए समर्पित है। विद्यार्थी से आप बात करेंगे, मेरा घर भी यही है, रहने वाला भी यहाँ है, तो एनी टाइम अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। किसी की तबीयत खराब है तब भी वो जरूर बताएं, किसी का पढ़ने में दिल नहीं है, मन नहीं है, तो तब भी वो बात करें। कोई डर है, कोई घबराहट है, तब भी बात करें। मेरी लाइफ मेरे स्टूडेंट के लिए समर्पित है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे रिजल्ट क्रिएट करने में मदद करती है। बच्चे को पहले ये एहसास दिलाना होता है कि यहाँ पर वो अकेला नहीं है, उसकी एक छोटी सी फैमिली है। और हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहेंगे आपको दोस्त, कि जिस क्लासेस को या जिन दोस्तों को या जिनके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, जिन टीचरों से, शायद आपको ये लगे कि मेरा कोर्स कब कंप्लीट होगा, मैं कब निकलूंगा, कब जाऊंगा। दोस्त, हमारी तो दुआएं हैं कि आप जल्दी निकल जाएं, जल्दी नौकरी पे चले जाएं, लेकिन इन दिनों को और इन पल को आप याद करेंगे फ्यूचर। तैयारी वाले फेज को हमारे इंडियन में ऐसा कल्चर है कि जबरदस्ती बच्चों के ऊपर थोप दिया गया है कि ये बहुत प्रेशर वाला फेज है। मेरा ये मानना है कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है। जो चीजें आप यहां कर सकते हो तैयारी वाले फेज में, ये तुम नौकरी के बाद में नहीं कर सकते। तो आज जो पल आपको मुश्किल दिखाई देते हैं, जब आप फ्यूचर में यहां से अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ अपने नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, कुछ अपने किसी विभाग को ज्वाइन करेंगे, कुछ दो चार अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करेंगे, और लगभग 20% को हम ऐसे मानते हैं कि हम कितना भी समझाएं लेकिन वो भटक ही जाते हैं, तो 80% को हम संभाल के रख भी लेते हैं, 20% हाथ से निकल ही जाते हैं बेचारों को कितना भी समझाओ। तो आप इन दिनों को याद करेंगे कि यार हमने क्या दिन वहां पर गुजारे हैं, क्योंकि यहां सबसे अच्छी चीज ये है दोस्त, क्योंकि तैयारी वाले फेज में आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन सुनने होनी चाहिए। नंबर वन, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है, ये मेरा लगभग 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, जब बच्चों के अलग अलग नेचर, अलग अलग लेवल के बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो वहां से एक जजमेंट मिल जाता है कि जब आप ये सोच के तैयारी करेंगे दोस्त कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, आप बहुत अल्टीमेट रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो।